पता भी है क्या अनर्थ किया है तूने, कितना बड़ा पाप चढ़ाया है हमारे सर पर। इस आश्रम में आज ये जो रोना धोना मचा है ना, सिर्फ तेरे कारण। किस जन्म का बदला ले रही है तू हमसे? महन जी के गुस्से का, उनके श्राप का शिकार बने हैं हम आज। जाने क्या होगा हमारा। ऐसे रोने से और इस लड़की को दोष देने से भी क्या होगा ममता? होगा तो कुछ नहीं पिशिमा, पर क्या करूं? इस लड़की के कारण मेरे पति की आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। पिशिमा, आपके पति की आत्मा भी भटकती रहेगी। दीदी, तुम्हारे पति की आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। सुना ना तुम सबने, मान जी क्या कहकर गए? हमारी जीवन भर की पूजा पाठ तपस्या सब कुछ बर्बाद कर दिया इस लड़की ने सब। कोई उपसी डूपसी हो गई क्या? एम्स गंगा से नाराज है ना? महाराज जी, अम्मा जी के लिए गिलास पानी लाइए। मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। हाँ चले। अम्मा जी क्या हुआ, सब ठीक से हो गया ना? लड़की के होते हुए कभी कुछ चीज ठीक हो सकती है? बस तो उसे हदें पार कर दे। जानती हो बदतमीज लड़की ने क्या किया? घोर अपमान। जहां हमारे बाल महंत जी का निरादर हो वहां भोजन नहीं करते हम। अच्छा, इसने हम भी अम्मा जी का निरादर किया हो? अपने घर में अपनी मैया से अपनी दादी से ऐसे बात करते हो क्या? गंगा, तुम सबको श्राप देते हैं हम। अपने पति को स्वर्ग मिलने की कामना कर रहे थे ना तुम सब? नहीं मिलेगा उन्हें स्वर्ग, उनकी आत्मा मृत्यु लोक में ही भटकती रहेगी। अब सर फटा जा रहा है। महंत जी का दिया श्राप मेरे कानों में गूंज रहा है। जाके थोड़ी सी पूजा पाठ कर लूं। बहुत गलती की है तेरी बहन ने, पाप। प्रायश्चित तो करना होगा, उपवास। कल से इसे व्रत रखना होगा। I'm sorry, I got a little lost. क्या कहा आपने? उपवास, that means fast. और मैं, no way. अम्मा जी ये व्रत रखेगी, मैं कह रही हूँ ना रखेगी, आप चिंता मत कीजिए। कह दे से बहू, फिरंगियों जैसे फूस फाश मेरे घर में नहीं चलेगा। Angry old woman, man. कुछ भी नहीं खाया रात को? ममता दीदी ने भी नहीं खाया होगा, गलती हमारी थी, तो खाना तो खा सकती थी वो। पता है मान जी ने सबको श्राप दिया तो सब कितने दुखी हैं। तभी तो जब ममता दीदी ने हमें आश्रम से बाहर निकाला तब हमें कुछ नहीं बोले, हमारे कारण ही सारी गड़बड़ हुई थी ना, इसीलिए। माधवी, इतनी आजादी तो सबको होनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं, और पूजा पाठ व्रत उपवास दिल से अपनी इच्छा से किया जाता है। अगर बरखा इसमें बिलीव नहीं करती तो तुम इसे फोर्स क्यों कर रही हो? बंगाल जींस, ये ऐसा अनर्थ मत कीजिए महंत जी, दया कीजिए हम पर। एक नासमझ मुंहफट लड़की के कारण हमारी बरसों की तपस्या बर्बाद हो जाए, ऐसा अन्याय मत कीजिए महंत जी, पाव पड़ती हूँ आपके। हम अपने कहे वचन वापस नहीं लेते, तुम सभी को हमारा श्राप भुगतना होगा।